कुनाली और ओरियो में एक चीज सेम है, दोनों खुद खाना नहीं खाते। ओरियो को मैं खिलाता हूँ। आज का ब्लॉग कौन स्टार्ट करेगा? मैं करो फिर। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, देखो नकुल जोशी और ये कुनाली ने आज सबके नाम लिख दिए ना। हाँ, देखो नकुल जोशी पापा जी का नाम, हाँ, मम्मी का नाम, हाँ, पीयूष का नाम, ओरियो का नाम, ये कुनाली आपने खुद लिखे है ना सारे? हाँ, ये नाम पापा जी ने बताया, ये लिखे आपने खुद ने ना? हाँ, ये जोशी मैंने लिखे और पापा जी ने मुझे ये नाम बताया। अच्छा, जोशी क्या होता है? जोशी जोशी मतलब जोशी हमारी कास्ट होती है। हाँ, मतलब जो हम नाम के बाद लिखते हैं ना। ये देखो, मैंने ये तो कर लिया और ये भी कर लिया और मुझे ये भी करना है, मुझे ये और मुझे वो ये भी करना है। ये देखो मुझे ये। अच्छा, ये तो डिफरेंस बताना है। हाँ, मुझे ये भी करना, इसमें कलर करना है। हाँ, मुझे कलर भी करना है, मुझे ये भी करना है और आगे भी और था। हाँ, बस ये लास्ट है। हाँ, लास्ट है। ये लास्ट है ना, ये तो बहुत ही कम काम है ना। हाँ, बहुत ही कम भाई, जल्दी से कर लो, फिर घूमने चलेंगे। घूमने चलेंगे तो रेनबो में कलर करने हैं, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू। पहले ये करोगे? हाँ। कौन से कलर करने हैं इसमें? मेरे को पता है, कलर है आपके पास? हाँ, ये रुको पहले निकाल लो सारे। रेड ऑरेंज कौन सा होता है? ऑरेंज बताओ कौन सा होता है। हाँ, ये होता है ऑरेंज। और येलो कौन सा होता है? येलो। हाँ, ये होता है। उससे बाहर मत निकालना, ठीक है? आराम आराम से करो, लाइन से बाहर मत निकालना। सर्दा में से निकल जाता है। ये बैठे कैसे हो? बैठे हो, खड़े हो? समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। खड़ा हूँ मैं। खड़े हो? हाँ। तो आज कुनाली सुबह से अपना मस्त होमवर्क करने में लगा हुआ है। इसने काफी सारा होमवर्क कर लिया, ऑलमोस्ट आधा होमवर्क इसने कर लिया एक ही दिन में। थोड़ा सा बाहर निकल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी छोटा है, अभी तो सीख रहा है ना। लगना अभी तो चाहिए किसी बच्चे ने किया है। मॉल और कहाँ? मॉल की जाओगे? मेरा गेम खेलने का आपने तो मैं कभी नहीं गया हूँ मॉल। मैंने कब से नहीं खेला गेम। पहले काम करो, गेम तो बाद में की बात है। आप ना बहुत सारे मॉल में गए हो, मैं नहीं गया हूँ एक भी मॉल में। आपको ले जाऊंगा मॉल में, पहले काम तो करो भाई। बच्चों को इस तरह से लालच देना पड़ता है, इसको मैंने लालच देखा मॉल में गेम खिलाने का, इसलिए मस्त सुबह से काम कर रहा है मस्त। मतलब स्कूल गए उसको ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, उसको सारे अल्फाबेट आ गए, देखो उसने सारे नाम लिख दिए। पापा जी ने थोड़ा बताया इसको, सबके नाम लिख दिए, कुनाली गुड बॉय। लेकिन इसके साथ में एक जने को बैठना पड़ता है, कभी पापा जी बैठते हैं कभी मैं। तो पीयूष भी आ गया, तू भी कर ले अपना होमवर्क। तूने होमवर्क स्टार्ट भी नहीं करा ना अपना। कुनाली का आधा होमवर्क हो गया और पीयूष ने स्टार्ट भी नहीं करा अभी तक। पीयूष का होमवर्क के लिए कुछ सामान लेके आना है, स्क्रैप बुक वगैरह। थोड़ा सा रेड तो हो गया, अब उसके बाद कौन सा कलर है? ये कौन सा कलर है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ऑरेंज। हाँ, ऑरेंज कौन सा होता है? ये बाहर निकल रहा है यार, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए ना ऐसे। यार ये कितने क्यूट लग रहे हैं, ए आ ई टेढ़े मेढ़े। ये अपनी नोटबुक को ना संभाल के रखना, जब बड़े हो जाओगे ना तो आपको याद आएगी इसकी। पौधा मेरे को ना कॉलेज जाने में अच्छा नहीं लगता। कॉलेज? हाँ। अभी तो स्कूल जाना है, कॉलेज तो बाद में जाओगे। अरे जब मैं देखो आजकल के बच्चे केजी में कॉलेज की सोच रहे, देख लो कितनी लंबी सोच कुनाली। अरे जब मैं बड़ा हूंगा तब मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ना। कुनाली आपको पता है रेनबो क्या होता है? क्या होता? आपने रेनबो देखा कभी? हाँ देखा है। कहाँ देखा? जब हम वो वहाँ गए थे एक शूट में। शूट में? अच्छा हाँ, जिप्सी में। हाँ देखा था। अरे हाँ, मनाली में हमने रेनबो देखा था, हमने कुनाली को भी दिखाया था रेनबो। तो ट्रैवल करने में ना ये चीज सही है कुनाली और पीयूष के लिए, ये नई नई चीज देख लेते हैं, सारी चीजें देख लेते हैं। जब रेनबो कब आता है बताऊं? बताओ कब आता है? जब बारिश और धूप होती है। अरे वाह, वहाँ पे हम शूट पे गए थे ना, तो वहाँ पे धूप और बारिश एक साथ आई थी, तब इसको बताया होगा किसी ने, तो चलो इसको याद है। मम्मी तो मेरा टाइम वेस्ट कर दे रही है। मैं जी क्या कर रही हूँ, तेरे से मत बना करके। अरे यार गुड़ू गुड़ू को मत करो, बाहर निकल जा रहा है। मैं दिखाऊं कैसे करती है बड़ी गुड़ू। पोछा क्यों उठा लिया? क्या कर रहे हो ये? अच्छा घुड़ू घुड़ू करती है। अभी चाची पोछा लगा रही थी ना, तो इसको डिस्टर्ब हो रहा था, कह रहा मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है चाची पोछा मत लगाओ। पोछा लगाने को कहता है ये घुड़ू घुड़ू। और ये अपना मस्त बैठा है यहाँ पे देख रहा है, लेकिन जो भी है मजा आता है कुनाली के साथ में, ऐसी ऐसी बातें करते ना ये। और ये अपना मस्त हो रहा है यहाँ पे। तेरे को नहीं करना क्या अपना होमवर्क? कोई होमवर्क नहीं करना क्या? इसके पास कुछ होमवर्क ही नहीं है। इसका होमवर्क पता क्या है? भौंकना। जब कोई घर में आएगा तो भौंकना होता है, इसका होमवर्क ये है। भौंकता है ना ये जब भी, देखो मैं बोलूं, बिल्ली आ गई। अरे बिल्ली आ गई, देख देख बिल्ली आ गई, देख देख रहा ना अपना होमवर्क कर रहा ना ये। ऐसे ही आपको जो होमवर्क बोला है वो अपना होमवर्क करो। ये तो चलना थोड़ी होता है होमवर्क, तो उसका होमवर्क वही है ना। ये देखो अपना मस्त नारियल पानी पीने में लगा है। गाइज यहाँ से मार्केट अराउंड 11 किलोमीटर दूर, तो आधा घंटा लगता है मार्केट जाने में, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा लेने में, आधा घंटा आने में, डेढ़ घंटा लग जाएगा पूरा। अगर पहले मेरा काम कंप्लीट हो जाए तब मैं भी चलूंगा उस स्टेशन के पास। वो स्टेशन का है बताऊं? क्या? ब्याज स्टोर के पास क्या है वो स्टेशन? स्टेशन नहीं यार, स्टेशनरी। स्टेशनरी स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी क्या होता है पता है? क्या स्टेशनरी पे सारा ना
स्कूल का जो भी आपका काम है ना वो सारा मिलता है। मुझे पता है स्टेशनरी वहाँ पे भी स्टेशनरी वो का जो क्यों बोल स्टेशनरी 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 तो काम कर ले तेज स्टेशनरी बना दूंगा नहीं तो नारी आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से क्या आराम से बोलो ये क्या है अंगूर घर के ये कैसे अंगूर है भाई ये तो खट्टे खट्टे हैं तो मामा जी लेके आए मम्मी अभी खाना लाइए पहले खाना खा लो मम्मी आपके लिए छोले चावल लाइए देखो छोले चावल खाना खाओ चुपचाप मेरा पढ़ाई करने का मन है अभी यार पढ़ाई करने का मन है वाह तो अभी सभी लंच कर रहे हैं आज मस्त छोले चावल बने हुए भाई रोज रोज मम्मी को खिलाना पड़ता है इतना मम्मी इतना लाड प्यार ठीक नहीं है मादला डला बिगड़ गया मादला डला बिगड़ गया वहाँ पे देखो क्या चल रहा है ओजू की मालिश चल रही है तो गाइस देखो यहाँ पे एक समोसा है जिसके लिए अब लड़ाई चल रही है नहीं मेरा यार मेरे मुंह में गुटका है तू आपके पर ले लो समोसा ले लो आधा तक कर ले आधा तक अभी ओरियो के खाने का टाइम आ चुका है इसको रोटी खिलाई जा रही है मैं इसके पास में बैठा हूँ इसलिए खा रहा है ये देखो ओरियो भी खाना खाता है खुद से आप क्यों नहीं खाते खुद से अरे यार इसका मुंह है ना कुनाली और ओरियो में एक चीज सेम है दोनों खुद खाना नहीं खाते ओरियो को मैं खिलाता हूँ कुनाली को बड़ी मम्मी खिलाती है ना तो यहाँ पे टाइल साफ कर रहे हैं पापा जी चाचा जी मिलके तेजाब डाल रहे हैं यहाँ पे स्मेल आ रही है टेबल कब लगेंगे पापा जी टेबल कल तो कल टेबल लग जाएंगे यहाँ पे तो पापा जी तो मस्त लगे हुए हैं सुबह से यहाँ पे साफ सफाई करने में मैंने पैर रख दिया तेजाब पे पैरों में जलन तो नहीं हो रही तो भाई शूट के बाद देखो सारे शूज धो दिए हैं पूरा ऊपर तक लाइन लगी पड़ी है भाई कितने प्यारे लग रहे हैं ये बढ़िया बात है अपने धूप में नहीं सुखाए मैंने माना कहता धूप में सुखाने के लिए पूरी दुकान खोल सकते हैं हम तो भी गाइस शाम के 5:30 बज चुके हैं अब चलते हैं पीस का सामान लेने के लिए दिन में बहुत धूप हो रही थी मन नहीं कर रहा था ये क्या कर दिया लग रही थी मेरे मुंह में पानी आ रहा है सब लगे पड़े आम खाने में कपड़े क्यों चेंज कर रहे हो यार अच्छी नहीं हो रही अच्छी नहीं हो रही सही तो हो रही है थार लेके चलेंगे साहिल आ रहे हैं शायद तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट पहले तो पीयूष के लिए होमवर्क का सामान लेना है स्टेशनरी तो पहुंच गया A4 साइज की शीट दे दो हाय मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूं प्लीज और पता है स्टेशनरी के बाहर भीड़ लग गई कुनाली को बाहर बुला ले भाई भाई सरदा वो कह रहा ना विंडो खोल तेरे को मेरी आवाज मेरे को तेरी आवाज सुननी है कौन कह रहा था एक बच्चा कह रहा था कुनाली की ना आवाज इतनी प्यारी है वो आप सुनते होगे वीडियो में तो हां सबको बहुत पसंद आती है जब रियल में सुनते हैं ना कुनाली की आवाज ये बोलता है ऐसे ना सरदा सरदा ये ऐसे होता है सरदा तो अभी पीयूष का सामान तो ले लिया अब हमारा मन कर रहा है चाप खाने का तो चाप लेते हैं तो भाई साहिल चाप तो ले आया मस्त 2 प्लेट तो अब खाते हैं मस्त मलाई चाप सोसाइटी पहुंच गए चलो भाई तो गाइस फिलहाल डिनर करते हैं सभी आ चुके हैं यहाँ पे तो गाइस रात के 12 बज चुके हैं एडिटिंग कंप्लीट हो गई है फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ आई होप आपको पसंद आया होगा पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में थैंक यू फॉर वॉचिंग